जब भी आपके पास टाइम कम हो और आपको कुछ चटपटा मसालेदार सब्जी बनाना हो तो आप इस तवा मसाला बैंगन बना के देखिए, आपके साथ आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आए। मसाला बैंगन भाजा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक बैंगन लिया है। बैंगन के ऊपर वाले को इस तरह कट कर देंगे और बैंगन को इस तरह मोटे मोटे गोल गोल टुकड़ों में काट लेंगे या थिक स्लाइसेस में कट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने दो बैंगन को इस तरह स्लाइस में कट कर लिया है। और चलिए अब हम मसाला बना लेते हैं। मसाला बनाने के लिए एक बर्तन लेंगे, इसमें स्वाद अनुसार या आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी डालेंगे, एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और तीखा के लिए हम इसमें एक चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने से बैंगन भाजा में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और अब मसाले में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक गाढ़ा या थिक पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट हमें गाढ़ा ही बनाना है जिससे बैंगन के स्लाइसेस अच्छे से कोट हो सके। ये देखिए, पेस्ट हमारा थोड़ा गाढ़ा है, हम इसमें एक चम्मच और पानी डालेंगे और इसे मिला लेंगे। ये देखिए, पेस्ट हमारा बनके तैयार है और अब हम इसे इस तरह बैंगन पे दोनों साइड से लगा लेंगे। इसी तरीके से सभी बैंगन के स्लाइसेस पे दोनों तरफ से अच्छी तरह से मसाला लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी बैंगन पे मसाला लगा लिया और अब हम इसे इस तरह पलटते हुए सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम मात्र एक मिनट के लिए बैंगन को इस तरह कवर करके रखेंगे जिससे मसाला बैंगन में अच्छे से मैरिनेट हो जाए। मसाला बैंगन में अच्छी तरह से मैरिनेट हो गया है और अब हम इसे तवा पे सेलो फ्राई कर लेंगे। तवा को गर्म होने देंगे। तवा पे हम चार चम्मच तेल डालेंगे। यहाँ मैंने सरसों का तेल डाला है, आप चाहे तो अपने पसंद का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को गर्म होने देंगे और तेल को इस तरह तवा को घुमाते हुए चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो गया है और तेल से धुआं भी निकल रहा है। और इस टाइम पे हम इसमें एक एक करके बैंगन डालेंगे। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इसी तरह हाथ को बचाते हुए हम तवा पे एक एक करके बैंगन डालेंगे। आप चाहे तो हाथ की जगह चम्मच या स्पैचुला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है और इस खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। ये देखिए, यहाँ मैंने सारे बैंगन को तवे पे डाल दिया है। बैंगन डालते समय गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और अब बैंगन को ढककर एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे एक साइड से पकने देंगे। और ये देखिए दोस्तों, एक मिनट हो गया है और अब हम बैंगन को चेक कर लेंगे। हमारा बैंगन एक तरफ से अच्छी तरह से सिक गया है और पक गया है। और अब बैंगन को हम इस तरह पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे या सेलो फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ मैंने सभी बैंगन को पलट लिया है और अब हम इसे ढककर एक मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। एक मिनट हो गया है और बैंगन भी हमारे अच्छी तरह से पक गए हैं। बैंगन को हम इस तरह चम्मच से दबाते हुए चेक कर लेंगे और ये देखिए, बैंगन हमारे पक गए हैं। और चलिए अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए दोस्तों, हमारा इंस्टेंट तवा मसाला बैंगन बनके तैयार है। आप इसे खिचड़ी, दाल चावल या रोटी किसी के भी साथ खाइए, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है।